वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, जो हमने बीज बोए थे ना सेम फली के, तो गाइस उनका जो है रिजल्ट आ चुका है। तो सबसे पहले तो गाइस हम डालते हैं पानी सारे पेड़ पौधों में, उसके बाद दिखाता हूँ गाइस मतलब कि क्या रिजल्ट आया। और मतलब जो पेड़ पौधों की जो ग्रोथ है ना गाइस, वो भी बहुत अमेजिंग हो चुकी है। और आज हम बोएंगे गाइस बेलपत्र के 3 से 4 बीज है मेरे पास, वो बोएंगे। उनके पौधे करने के बाद गाइस हम सामने प्लॉट में लगाएंगे या फिर एक गमले में गाइस बेलपत्र का पौधा चलने देंगे। तो गाइस पहले पानी डालते हैं, फटाफट बाल्टी लेकर चलते हैं। तो गाइस फटाफट से चलते हैं हम अपने छोटे स्विमिंग पूल में, पानी निकालते हैं पहले तो फटाफट पेड़ पौधों के लिए। तो गाइस सारे पेड़ पौधों में डालते हैं पानी फटाफट। तो गाइस कल भी हम पानी डालना भूल गए थे, तो गाइस कल भी हमने पानी नहीं डाला था इसमें, इन गमलों में सारों में कल भूल गया था गाइस मैं पानी वगैरह डालना। और इतनी कोई खास ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि कल गाइस सारे गमलों की जो मिट्टी थी वो भी गीली थी। तो गाइस बाल्टी का जो पानी है वो खत्म हो चुका है, फटाफट चलते हैं और बाल्टी वापस भर कर लेकर आते हैं। गाइस सारे गमलों में जो पानी डालने का काम है वो खत्म करते हैं, उसके बाद जो गाइस सेम फली के जो पौधे हैं ना गाइस, जितने भी हमने गमलों में बोए थे ना गाइस, आधे से ज़्यादा गमलों में ना गाइस वो उग चुके हैं पौधे, बीज जो बोए थे हमने। तो गाइस वो सब दिखाऊंगा मैं आपको। और गुलाब के मतलब गुलाब का जो हमारा पौधा उसमें आ रहे हैं गाइस फूल बहुत अमेजिंग अमेजिंग, तो वो भी दिखाऊंगा। तो गाइस अब डालते हैं हम दूसरी लाइन में अपने सारे दूसरी लाइन के जितने भी गमले उनमें डालते हैं गाइस पानी। तो गाइस इधर खड़े हुए हैं दादी और छोटू, ये देख सकते हो कुत्ते के बच्चे देख रहे हैं ऊपर से। तो गाइस पहले पानी डालने का काम खत्म करते हैं। तो गाइस वापिस हो चुका है पानी खत्म, चलते हैं वापिस बाल्टी भर कर लेकर आते हैं। तो गाइस पानी फैल चुका है मतलब पूरी बाल्टी जो थी ना गाइस, देखो आधी बाल्टी जो उधर है ना खाली हो चुकी है। तो गाइस सारे गमलों में पानी डालते हैं। गाइस इसमें भी हमने बीज बोए थे, इसमें अभी तक बीज नहीं उगे हैं, बट उधर गाइस पक्षियों की जो मटकी वो भी भर कर आ जाते हैं फटाफट से। गाइस फटाफट से चलते हैं। तो गाइस ये तो फुल खाली हो चुकी है मटकी, इसको खतरनाक भरना पड़ेगा, आधी से ज़्यादा खाली थी गाइस ये मटकी, जो कि अब हमने फुल भर दी है मटकी को। अब दिखाता हूँ गाइस मैं आपको सेम फली वगैरह की, जो हमारे मतलब हमने बीज बोए थे ना गाइस उनकी, जो मतलब वो पौधे बन चुके हैं गाइस अब दिखाता हूँ। उससे पहले लगाते हैं गाइस टैंक का ढक्कन। तो गाइस अब चलते हैं, अब दिखाता हूँ मैं, बट उससे पहले गाइस हम बोते हैं बेलपत्र के बीज खाली गमलों में, जिनमें जगह है उन गमलों में बोते हैं गाइस बेलपत्र के बीज। एक तो गाइस इस गमले में बोते हैं इधर, और एक और बीज जो है गाइस वो भी इधर ही बोते हैं। गाइस ये जो बीज होते हैं ना सक्सेस ना बहुत कम रेयर कंडीशन में होते हैं, इसलिए हमने 3 बीज जो है एक में बो दिए हैं। अब जो है गाइस 2 बीज बचे हुए हैं मेरे पास, जिसमें से एक बीज गाइस मैं इस मटकी में बो रहा हूँ
और दूसरा जो बीज है गाइस वो इस वाली मटकी में बो रहा हूँ मैं। तो गाइस हमने जो बीज बोने का जो काम था वो भी खत्म हो चुका है। अब दिखाता हूँ गाइस मैं सेम फली के जो हमारे पौधे बन चुके हैं बीज वो दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखो, एक तो गाइस ये रहा मतलब कितना छोटा है और दो पत्तियाँ निकली हैं अभी, और दूसरा गाइस ये रहा अभी दो पत्तियाँ भी पूरी प्रॉपरली खिली नहीं है गाइस अभी तक। और दिखाता हूँ गाइस इधर आ चुके हैं गाइस हमारे भिंडी के पौधे छोटे छोटे, दो ये रहे गाइस, और गाइस एक ये रहा छोटा सा बिल्कुल छोटा पौधा। अब और दिखाता हूँ गाइस सेमफली के पौधे जो कि हमने बोए थे। तो गाइस एक जो पौधा है सेमफली का वो आ चुका है इसमें मनी प्लांट में, देख सकते हो अभी पत्तियाँ नहीं खुली, खिली भी नहीं है मतलब पूरी तरीके से। तो गाइस एक बीज मतलब एक जो पौधा है वो इधर की साइड है इसी मटकी में, और दूसरा पौधा है गाइस इस कोने पर देख सकते हो। मतलब गाइस अभी तक है ना इनमें दो दो जो पत्तियाँ ना गाइस वो भी नहीं खिली है। तो गाइस इधर खड़े हुए हैं दादी, मतलब सामान जो बिखरे हुए हैं गाइस उनमें समेट रहे हैं, और ये इधर खड़ा हुआ है गाइस छोटू, ये देख ही सकते हो जो कि कुत्तों के बच्चों को देख रखा है, उधर पीछे देख रहा था गाइस, अभी ये उठकर आया है गाइस पोज दे रहा है पिक के लिए। तो गाइस उधर देखो ये कुत्ते के बच्चे गाइस किधर गए। तो गाइस ये देखो ये रहे नीचे, ये देखो एक बच्चे दिख रहा है गाइस एक दो बच्चे। और गाइस पता है आपको एक और न्यू फूल आ चुका है ये देखो इसमें गुलाब में, गुलाब का जो पौधा है, और दूसरा जो मतलब एक फूल गाइस ये पुराना जो मुरझा के नीचे मतलब मुड़ गया है, हमने तोड़ा नहीं था सही समय पे गाइस, वैसे तोड़ने में गाइस फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि फूल जो होते हैं ना गाइस पौधे में लगे रहे तो और अच्छे लगते हैं। तो गाइस एक फूल तो ये रहा और दूसरा फूल गाइस ये रहा, देखो कितना अमेजिंग लग रहा है। और भी कलियाँ आ रही हैं गाइस, एक ये आ रही है कली, और कलियाँ गाइस इधर भी आ रही हैं, ये देखो गाइस इसकी जो है ना गाइस अभी है ना तीन से चार बार कटिंग करने के बाद इतनी सारी कलियाँ आ चुकी हैं। अभी गाइस बरसात जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी ना तो इसमें है ना न्यू पत्तियाँ और निकलने लग जाएगी, तो इसकी एक बार और कटिंग करेंगे गाइस, इससे है ना अमेजिंग फूल आए गाइस और कलियाँ है ना ज़्यादा से ज़्यादा आए गाइस। मेरे पीछे खड़े हुए हैं गाइस दादी जी, ये देखो वो पौधों में देख रहे हैं मतलब गमलों में देख रहे हैं कोई कचरा वगैरह तो नहीं पड़ा है, जो सूखे पत्ते होते हैं ना गाइस वो। तो गाइस एक और सीन पता है आपको, कल परसों है ना मेरे ये गेट से लग चुकी है, ये देखो कितना खतरनाक वाला सीन है, मतलब ये देखो आँख बची हल्की हल्की सी, ये देखो कितनी खतरनाक लगी है गाइस, चमड़ी भी गाइस पूरी चली गई है ऊपर, ऊपर की जो चमड़ी होती है ना गाइस वो चली गई है पूरी, ये देखो बहुत खतरनाक गाइस जब लगी थी ना गाइस जब तो बहुत खतरनाक खून आया था, ये देखो और थोड़ी बहुत चमड़ी जो बची थी ना गाइस मतलब खून आने के बाद जो जम जाती है ना वो मैंने हटा दी, तो उससे आज दिन में थोड़ा और निकला था खून, बट गाइस मैंने ट्यूब वगैरह लगाया है, जैसे अपडेट्स आएंगे इसको लेकर भी गाइस ये ठीक हो तो जाएगा वैसे लग रहा है, जल्दी हो जाएगा गाइस। हमारा जो गाइस तुलसी का जो पौधा है ये, तो गाइस ये प्रॉपरली तरीके से सूख चुका है, मतलब अभी तो नहीं सूखा है बट सूख जाएगा गाइस। तो इसके जो है ना गाइस इन ये जो होती है ना मतलब इसके जो ये बीज है ना गाइस इसके ऊपर ही लग रहे हैं, इस प्रकार से गाइस हमें इसको है ना इसी में डाल देते हैं ताकि गाइस ये न्यू पौधे बन जाए, क्योंकि ये जो पौधा है गाइस ये तो पूरा प्रॉपर सूखने वाला है, मतलब सूख ही जाएगा गाइस कुछ दिनों की बात है सूख ही जाएगा ये पौधा, और हम बीज इसमें डाल देते हैं गाइस ताकि न्यू पौधे आ जाएं उनको अलग करके हम इसको हटा के उसको उनको लगा सकें न्यू पौधों को, क्योंकि गाइस तुलसी जो है ना पूरे मतलब पूरी टेनिस पे ना इस एक ही गमले में वो भी ये एक ही तुलसी बची हुई है गाइस, बाकी सब सूख गई गाइस, सारी तुलसी जितनी भी थी ना गाइस सब सूख गई। तो गाइस इसको इनके बीज बनाते हैं और बीजों को इसमें डाल देते हैं सबको। तो गाइस सारे बीज जितने भी थे गाइस मैंने डाल दिए हैं, और ये तो गाइस एक जड़ तो मतलब एक जो डाली है गाइस ये वाली ये तो पूरी सूख चुकी है। तो गाइस अभी अभी गाइस मैं भी सोकर उठा हूँ, तो गाइस मेरे बालों की जो कंडीशन है वो आप देख ही सकते हो मतलब क्या हो रखा है गाइस, वैसे एनी टाइम है ना मेरे बाल ऐसे ही रहते हैं, जब भी मैं तैयार होता हूँ तब मतलब हल्के से नीचे आते हैं बाल, बाकी तो एनी टाइम ऐसे ही रहते हैं। गाइस पसीना देखो कितना सारा आ चुका है, अभी पानी वगैरह डाला है ना गाइस इसीलिए पसीना इतना खतरनाक आ चुका है। तो गाइस बाल्टियों को रखते हैं हम इसकी जगह पे। गाइस सन देखो पीछे कितना खतरनाक सीन है, ये देखो गाइस सनसेट, और दिखाऊंगा गाइस इस मटकी को भी गाइस कहीं ना कहीं हम यूज़ लेंगे। तो गाइस ये देखो ये छोटू ने ना कुत्तों को बच्चे को बाहर मतलब प्लॉट से गाइस बाहर निकाल लिया और उनके साथ खेल रहा है बैठ के गाइस गाड़ी के पास, ये देखो गाइस हाय कर रहा है, ये देखो गाइस दो बच्चे जो हैं वो निकाल लिए हैं गाइस, देखो हाय कर रहा है, ये रहे गाइस कुत्ते के बच्चे, जूम करता हूँ गाइस थोड़ा और, ये रहे गाइस देखो
उसका फ्रेंड भी है गाइस उसके साथ, देखो। अब ये रोटी लेकर आए गाइस दोनों कुत्तों के बच्चों के लिए। तो गाइस सारे कुत्तों के बच्चे देखो बाहर बुला लिए इन्होंने। तो गाइस अब देखो उनको ऊपर चढ़ा दिया उन दोनों बच्चों को। अब गाइस इनको रोटी डाल रहे हैं ये। ये देखो गाइस रोटी डाल दी, रोटी खा रहे हैं कुत्ते के बच्चे। तो गाइस आज का जो ब्लॉग है उसे हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसी के साथ। तो गाइस मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार।